अस्सलाम वालेकुम, अबी ट्रैवल एंड टूर्स के चैनल पे खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब से आने वाली नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वालों के लिए नए कानून का निफाज कर दिया गया है। मजीद ये कि फरार के इल्जाम में एग्जिट अफराद पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब से आने वाली इस खबर में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि पाकिस्तान, सऊदी अरब या दुनिया भर से आने वाली तमाम अहम खबरों से आप सबका खबर रह सके। तो नाज़रीन, खबर में मजीद आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले अफराद के लिए सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब से निकाले जाने वाले अफराद को अहम हदायत दी गई हैं। नए कवानीन के तहत हरूब और डिपोर्ट होने वालों के बारे में भी काफी तरामीम की गई हैं, जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरूब के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि साल 2018 में हरूब फाइल होने पर पाकिस्तान डिपोर्ट हुआ था। सऊदी इमिग्रेशन के नए कवानीन के तहत वो तारकीन जो हरूब यानी फरार के इल्जाम में एग्जिट होते हैं, इन पर हमेशा के लिए मुमलिकत में आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जो हरूब के इल्जाम में या किसी और वजह से डेपोटेशन सेंटर से अपने मुल्कों को जाते हैं, वो भी ताहियात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। मजीद ये कि ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद सिर्फ उमरा और हज वीजे पर ही मुमलिकत आ सकते हैं, किसी किस्म की वर्क वीजे पर उनका मुमलिकत में दाखला मना होता है। वाज़ह रहे, नए कानून से कबल ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता था, उन्हें महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत का तयन केस का अफसर जुर्म की नौयत और मुकदमे की कार्रवाई को देख कर करता था, जो 3 से 10 वर्ष के दरमियान होती थी। नए कानून के बाद से डिपोर्ट होने वाले अफराद ताहियात मुमलिकत में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे अफराद की फाइल जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में सीज कर दी जाएगी, जबकि माजी में इन पर मुद्दत का तायुन किया जाता था, मगर जब से नया कानून नाफिज किया गया है, ऐसे अफराद की फाइल को मुस्तकिल तौर पर सीज कर दिया जाता है। जहाँ तक जवाजात का प्रिंट हासिल करने की बात है, तो वो कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने स्पॉन्सर के मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, ये थी सऊदी अरब की जानिब से आज की अहम खबर। मजीद ये कि अगर आप उमरा या हज पर जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का सफर करना चाहते हैं, तो इस मुतल्लिक़ किसी भी तरह की मालूमात के लिए और बुकिंग के लिए हमसे राब्ता करें या हमें हमारे ऑफिस आवर्स में विजिट करें। मजीद ये कि अभी ट्रेवल एंड टूर्स आपको पाकिस्तान भर से ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत भी फ्राहम करता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।